नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। उत्तर प्रदेश के दिवाना जनपद के भटनी के फतेहपुर ग्राम में हर साल की भांति इस साल भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें खेल की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्य अतिथि पहुँचे थे डॉक्टर अजय मरित पार्टी। वहीं वरिष्ठ अतिथि अवधेश सिंह और राम वृक्ष यादव ट्रैफिक पुलिस शिक्षक महासभा के मीडिया प्रभारी बालेंद्र त्रिपाठी, वहीं कार्यकर्ता ग्राम प्रधान अवधेश पांडे और दुर्गेश विश्वकर्मा, कुमदेव पांडे, कार्तिके मिश्रा, दयानंद यादव, राजवंश शर्मा, बाहुबली विकास पांडे, राजन पांडे, रमेश यादव, इस पांडे और वीरेंद्र प्रसाद अख्तार अंसारी एवं सभी ग्रामवासियों की मदद से इस तरह का आयोजन किया गया था, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और कबड्डी का प्रतियोगिता रखा गया था, जिसमें युवाओं ने कबड्डी खेली और उनको प्रोत्साहित किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। पहला सवाल कि बच्चों के लिए हमारा संदेश क्या है? कार्तिक पूर्णिमा का जो ये दिन है, ये गुरु नानक जी की जयंती का भी दिन है और सबसे बड़ी बात है बच्चों के लिए ये मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि भी आज है और पूर्णिमा एक नहीं होती है, 12 पूर्णिमा होती है, जिस साल अधिक पास लगता है उस साल 13 पूर्णिमा होती है। आज के दिन हम गंगा स्नान से लेकर कहीं भी बहते हुए नदी के किनारे स्नान करके और समस्त पापों का शमन करते हैं। इससे एक बात निकलती है कि समाज में जो शुभ है वह शुभ हमारे शरीर में भी कैसे घटित होगा और वह शुभ समाज में भी कैसे घटित होगा, या हम बहते हुए प्रवाह के नदी के किनारे उसका संकल्प लेते हैं। दूसरी बात कि जो खेलकूद है, खेलकूद मनुष्य के मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, यानी नौजवान जिस देश का स्वस्थ रहेगा, नौजवान जिस देश का उत्साहपूर्ण रहेगा, उल्लासपूर्ण रहेगा, नौजवानी के तरुणाई के साथ रहेगा, तो उस देश का और उस समाज का भी भविष्य उज्ज्वल होगा। इसलिए यहाँ के सारे आयोजक और समस्त लोग जो यहाँ कबड्डी की प्रतियोगिता करा रहे हैं, वह समाज जीवन में और राष्ट्र जीवन में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनके लिए हम संपूर्ण आयोजक मंडल को हृदय से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और यह शुभकामनाएं देते हैं। यह कार्यक्रम जिस प्रकार भविष्य में आगे भी चलता रहे और भूत में चलता रहा है, यानी इसकी निरंतरता बनी रहे, जैसे भारतीय संस्कृति, दर्शन, आध्यात्म की निरंतरता है, इस प्रकार इस राष्ट्र की निरंतरता है, जिस प्रकार नदी के पानी की निरंतरता है, उसी प्रकार यह कार्यक्रम भी हमेशा चलता रहे, यही मेरी शुभकामना है। यहाँ बहुत पहले हम लोगों के पूर्वजों द्वारा ये लगाया गया मेला और निरंतर ये अपने प्रगति की ओर आगे जा रहा है और मैं चाहूँगा कि इस तरह का आयोजन इससे भी बड़े स्तर पर हमारे गांव के लोगों के द्वारा किया जाए, सबके साथ, सबका एक साथ सहयोग से, सबके सहयोग से यह मेले का आयोजन होता है, जिससे पूरे गांव के सभी लोगों की का सक्रिय होता है। इसका महत्व चूँकि मिट्टी से जुड़ा हुआ यह खेल है और ये गांव सभा के मैंने छोटे स्तर से, जिसमें कोई सरकारी संसाधन नहीं लगते हैं, लेकिन यह इसका व्यापक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इसका विकास हो, हमारी अपेक्षा है इस स्तर का कार्यक्रम आयोजन करके इस खेल को आगे बढ़ाएं। आप लोग पूरे ग्रामवासी के सहयोग से यह रखा जाता है? हाँ, गांव के सभी लोगों का सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न। कौन सा जगह है? ग्राम फतेहपुर, पोस्ट सल्लापुर, थाना भटनी, तहसील सलेमपुर, जिला। आपका परिचय? अवधेश पांडे, ग्राम प्रधान।